अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़िशान हैदर और आप देख रहे हैं टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो हमारे फेसबुक स्टाइलिश नेम के बारे में है कि आप कैसे अपने फेसबुक अकाउंट पर स्टाइलिश नेम लिख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो होने वाले हैं इंटरेस्टेड, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपना अकाउंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका ये कुछ इस तरह नाम है, हैदर अली। ठीक है, इसको मैं बैक करता हूँ। इसका पहले मैं ये डार्क मोड ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप देख चुके हैं कि मेरे प्रोफाइल का जो नेम है वो कुछ इस तरह का है। अब इसको मैं स्टाइलिश कैसे लिख सकता हूँ? तो गाइस, यहाँ पे आपने थ्री लाइंस पे क्लिक कर देने और यहाँ पे आपको आ जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे नेम के सामने एडिट पे क्लिक कर देने। तो गाइस, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे इन दोनों को आपने रिमूव कर देने, और इनको रिमूव करने के बाद गाइस मेरे पास कुछ स्टाइलिश सैंपल्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप कैसे कॉपी करेंगे ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है, वीडियो के एंड में। तो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये वाले सिंबल है, ठीक है गाइस, ये वाले आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे ही सिंबल है, बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट नेम इस तरह आप कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे। इसकी जगह यहाँ पे एम आर लिखा है, तो यहाँ पे आप एम आई एस एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट में मैंने ये कॉपी किया है, फिर मैंने ये वाला कॉपी किया, ठीक है, और फिर जो है ये वाला कॉपी किए, ठीक है। तो गाइस, ये वाले सिंबल जो है आपको कॉपी कर देने हैं और वापस आपने फेसबुक पे आ जाना है। और यहाँ पे जो है लास्ट पे आपने ये वाले सिंबल देने हैं, मिडल पे आपने ये वाले सिंबल दे देने हैं, ठीक है, ये वाले। और यहाँ पे आप जो है, अगर आप गर्ल हो तो आपको यहाँ पे मिस का ऑप्शन भी आ सकता है, मतलब आप एम आई डब्ल एस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीशू लिखा है, तो यहाँ पे आप जी भी लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद गैस आपको एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ से बैक जाना है। बैक आने के बाद गैस यहाँ पे आपको एक वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जो यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने सर्च कर देने हैं वीपीएन लेट। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा और इसको आपने ओपन कर देना है। तो आपने इसको, ठीक है गैस, इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको क्विक कनेक्ट पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको आ जाने नीचे, ठीक है। एक प्रॉक्सी लगानी है जिसका नाम है जापान प्रॉक्सी, ठीक है। तो जापान की प्रॉक्सी हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके सामने एड्स आ सकते हैं, ठीक है। एड्स आने के बाद आपको जो है वीपीएन सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे मैं इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहूँगा और यहाँ पे जो है अभी फिर से ऐड आ गया और इसके बाद जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कनेक्ट पे क्लिक कर चुके हैं और यहाँ पे आ रहे हैं कनेक्टिंग, ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमने जहाँ पे फेसबुक को छोड़ा था वहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे जो है हमारा ऑलरेडी वीपीएन कनेक्टेड है। यहाँ पे आप जो है मिस्टर की जगह आप मिस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने जहाँ पे जी लिखा है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, बाकी आपने इसी तरह कर देना। और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देने हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपका नाम जो है सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो गाइज, आप देख सकते हैं मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको लास्ट वाले पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपने आपका इसका पासवर्ड दे देना है, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद सेव चेंजेस पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपका नाम हो गया है सेव। तो हम यहाँ से अब इसको एक बार बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद गाइज हम दोबारा फेसबुक को ओपन कर देते हैं, देखते हैं कि हमारा जो नेम है वो चेंज हुआ है या नहीं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिल मेरा हैदर अली शो हो रहा है, लेकिन एक बार रिफ्रेश करने के बाद आप देख पाएंगे कि मेरा कुछ इस तरह का नेम शो हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पे कुछ ये इस तरह नज़र आते हैं, लेकिन जब आप इसको ओरिजिनल फेसबुक में ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, इसको अपने ओरिजिनल फेसबुक से देखते हैं कि वाकई इस तरह शो होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अपने इस अकाउंट से जो है इसको फॉलो किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का
शो हो रहा है। तो गाइस इस तरह का आप भी जो है नेम लिख सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब गाइस आते हैं दूसरी चीज़ पे कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसे कॉपी करना है या सैंपल कैसे कॉपी करने है। तो गाइस मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो वीडियो मतलब पसंद आती है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मुझे ये वाली वीडियो डाउनलोड करनी है, ये मोटो पटलू की डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आपको शेयर नज़र आ जाएगा, शेयर पे क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक आ जाएगा, ठीक है। कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोम पे आ जाना है और क्रोम पे आपने ये वाला जो लिंक आपने कॉपी किए इसको आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने वही एग्जैक्ट वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पे भी मैं नेम पे क्लिक करूँगा, ठीक है। नेम पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हमारे सामने डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ कॉपी करना चाहता हूँ ये देखिए सेलेक्ट हो रहा है, तो आप जो है इस तरह का सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से जो भी चीज़ आप कॉपी करना चाहते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा केयर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।